हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ किंग और आप देख रहे हैं किंग एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है पोको X2 और रेडमी नोटेड प्रो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन्स का जो है स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन फास्ट वर्क कर रही है। और फ्रेंड्स, इस स्पीड टेस्ट में हम जो है कुछ एप्लीकेशंस और कुछ गेम्स का भी हम स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन फास्ट इसे वर्क कर रहा है, फास्ट में खोल करके दे रहा है। और फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशंस होंगी वो डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो होगी और कुछ पबजी वगैरह भी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आप वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रेडमी नोटेड प्रो जो है कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था और पोको X2 जो है हाल ही में भी लॉन्च हुआ है। तो हम पहले रेडमी नोटेड को पहले जो इस पे जान लेते हैं कि रेडमी नोटेड प्रो जो है फ्रेंड्स, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का बैक साइड में कैमरा दिया गया है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो है यहाँ पर 6.53 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है रेडमी नोटेड प्रो में। और फिर यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी है। और पोको X2 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर पीछे में फ्रेंड्स आपको क्वाड कैमरा दिया जा रहा है पोको X2 में। एक होगा 64 मेगापिक्सल का, एक होगा 8 मेगापिक्सल का, फिर होगा 2 मेगापिक्सल का और एक और होगा 2 मेगापिक्सल का। तो फ्रेंड्स, बैक साइड का कैमरा बहुत ही अच्छा है, रेडमी नोटेड प्रो से कुछ हद तक ये बेहतर है क्योंकि यहाँ पे क्वाड कैमराज दिए जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, पोको X2 में जो है इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का कैमरा और एक है 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि एक पंच होल के साथ आता है। तो फ्रेंड्स, पोको X2 का सबसे बड़ी खासियत है इसका पंच होल जो है डिस्प्ले। और अगर बात करें पोको X2 के प्रोसेसर की तो इसका प्रोसेसर जो है इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है वो है स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और रेडमी नोटेड प्रो में जो है मीडियाटेक का G90 का प्रोसेसर लगाया गया जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, ये जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए दोनों फ़ोन्स का जो है स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों फ़ोन्स का जो है एंटूटू स्कोर पहले चेक कर लेंगे कि और देखेंगे कि दोनों का एंटूटू स्कोर किस फ़ोन में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं इसका एंटूटू स्कोर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारे राइट साइड में है पोको X2 और लेफ्ट साइड में है रेडमी नोटेड प्रो। तो चलिए इन दोनों का जो एंटूटू स्कोर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेडमी नोटेड प्रो का जो है एंटूटू स्कोर पोको X2 से ज़्यादा आ रहा है, कुछ थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन 8000 का अंतर है जो कि रेडमी नोटेड प्रो में है। तो रेडमी नोटेड प्रो का जो है एंटूटू स्कोर 8000 पोको X2 से ज़्यादा आ रहा है। तो कुछ हद तक यहाँ पे तो ये पता चल रहा है कि इसमें नोटेड प्रो ही बेहतर रहेगा पोको X2 से। तो अब चलिए इसके जो है स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह को इसे खोल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले हम कुछ ब्राउज कर लेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे पहले यहाँ पर लोड ले रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम इसे स्टार्ट करके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं फिर कहूँगा राइट साइड में यहाँ पे पोको X2 और लेफ्ट साइड में है रेडमी नोटेड प्रो। तो चलिए दोनों में हम पहले फेसबुक सर्च कर लिया, देखते हैं कौन सबसे पहले लोड लेता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो नोटेड प्रो जो पोको X2 से पहले यहाँ पर खोल के दिया है मैं फेसबुक के वेबसाइट को। तो जैसा कि एंटूटू स्कोर में भी था कि पोको X2 से इसका एंटूटू स्कोर ज़्यादा आ रहा था, तो यहाँ पर पेज भी पहले नोटेड प्रो ने ही लोड लिया है। तो चलिए अब कुछ एप्लीकेशंस वगैरह को भी देख लेते हैं ऑन करके। तो सबसे पहले अमेज़ोन को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अमेज़ॉन जो है यहाँ पे पोको X2 में ही यहाँ पे सबसे पहले खुला है। हालांकि एंटूटू स्कोर रेडमी नोटेड प्रो का ज़्यादा आ रहा था ब्राउजिंग फीचर में, ब्राउजिंग स्पीड में भी नोटेड ही रहा आगे नोटेड प्रो, लेकिन यहाँ पे अमेज़ॉन को खोला है पहले पोको X2 ने। और यूट्यूब को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो YouTube को फ्रेंड्स यहाँ पे Redmi Note 8 Pro जो है खुला है, Redmi Note 8 Pro में YouTube जो है Poco X2 से बेहतर खुला है, उससे पहले यहाँ पे खुला है। तो फ्रेंड्स अब चलिए देख लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो उसके बाद हम TikTok देख लेते हैं फ्रेंड्स, TikTok कौन पहले। तो फ्रेंड्स, TikTok यहाँ पे Poco X2 खोला है Redmi Note 8 Pro से पहले, यहाँ पे TikTok जो है Poco X2 में खुला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब चलिए उसके बाद बाकी के भी एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे खोल के देखेंगे धीरे धीरे सभी एप्लीकेशंस को, और पबजी को भी यहाँ पे हम टेस्ट करके देखेंगे कि कौन फास्ट यहाँ पे खोल करके यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दे रहा है। तो चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप भी देख सकते हो आप पोको X2 में फ्रेंड्स यहाँ पे पहले खुला है तो है। और तो फ्रेंड्स अब चलिए इसका टेलीग्राम देख लेते हैं कि कौन पहले फास्ट खोल रहा है। तो टेलीग्राम फ्रेंड्स दोनों फ़ोन्स में लगभग एक साथ ही यहाँ पे खुला है, तो दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेलीग्राम के लिए सही रहा, दोनों एक साथ ही यहाँ पे लोड लिया है। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं बाकी के भी कुछ एप्लीकेशंस को। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए अब उसके बाद हम फेसबुक को यहाँ पर देख लेते हैं कि फेसबुक यहाँ पर कौन पहले लोड लेता है।
तो फेसबुक यहाँ पे फ्रेंड्स पोको X2 में पहले लौट लिया है और बनिस्पत रेडमी नोट प्रो के। तो चलिए उसके बाद फिर दूसरे एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे चेक करके देख लेंगे कि कौन यहाँ पे फास्ट रन कर रहा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद इंस्टाग्राम भी है, तो चलिए इंस्टाग्राम को देख लेते हैं। तो इंस्टाग्राम फ्रेंड्स यहाँ पर रेडमी नोट प्रो में पहले खुला है, पोको X2 में थोड़ा लेट से खुला है। हालाँकि यहाँ लॉग इन नहीं था, बट फिर भी यहाँ पर रेडमी नोट प्रो में ही पहले यहाँ पर खुला है। उसके बाद फ्रेंड्स हॉटस्टार, चलिए जैसा कि देख सकते हैं हॉटस्टार को भी हम यहाँ पे कॉल करके देख सकते हैं। हॉटस्टार भी फ्रेंड्स यहाँ पर रेडमी नोट प्रो में ही खुल रहा है। तो अभी तक का जो भी है मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है रेडमी नोट प्रो में ही खुल रहा है, और इसका एंटूटू स्कोर भी तो ज़्यादा था इससे पोको X2 से। तो चलिए उसके बाद फ्रेंड्स अब देख लेते हैं यहाँ पर हम पबजी कि पबजी यहाँ पर कौन फ़ोन जो है सबसे पहले यहाँ पर लोड लेता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हो ये भी लोड ले रहा है, तो यहाँ भी यहाँ शायद पोको X2 रहेगा आगे। तो हाँ जैसा कि आप देख सकते हो तो यहाँ पोको X2 जो है रेडमी नोट प्रो से थोड़ा आगे चल रहा है फ्रेंड्स। तो गेमिंग के लिए आप कह सकते हो कि रेडमी नोट प्रो से बेहतर पोको X2 है। तो इसे डे टू डे लाइफ के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको लिए रेडमी नोट प्रो बेहतर है। हालाँकि रेडमी नोट प्रो में भी गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, तो उसके उससे पोको X2 थोड़ा सा इन्हेंस्ड है, उससे थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर रेडमी नोट प्रो से पोको X2 है। इसे दोनों ही फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं, दोनों का जो है प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, रेडमी नोट प्रो का भी है गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन गेमिंग की बात में करें तो इसे पोको X2 थोड़ा सा बेहतर है रेडमी नोट प्रो से, ऐसे बाकी सब चीज़ में दोनों एक बराबर ही हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किस वीडियो में।